देख रहा हूँ ये संसार बड़ा अजीब है। अपने तो पराए हैं और पराए अपने हैं। बस समझना है तो सिर्फ यही, हम अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अरे तो यार वाबड़े जी को कटा दी मैंने हूने, सारा संसार बेगाना हो जाता है जब हमारा समय हमारे बस में नहीं होता, और सारा संसार अपना हो जाता है जब हमारा समय हमारे बस में होता है। बहुत कठिन है इसको समझना, समझ जाओगे तो सरलता आ जाएगी, और सरलता वही है, इसीलिए कहा गया है कि सरलता को समझो 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 समझो। समझ लिया, समझ में आ जाता है तो बहुत उत्तम है। अगर समझ में नहीं आता है तो हम हर किसी बात को समझने के लिए, जानने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। ये जो समझ है हमारी, हमारे स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही हमारी समझ काम करती है। जिस प्रकार से हम छोटे से बड़े हुए, हमारा जन्म हुआ, जहाँ हमारा जन्म हुआ वहाँ के संस्कार हमें मिलेंगे। वर्स आई एम बॉर्न दैट्स गेटिंग द कल्चर ऑफ प्लेस, इट्स मीन इट इज़ वेरी डीपली वी आर थिंकिंग एंड वी हैव टू डू एंड वी शुड टू थिंक अबाउट दैट। इफ यू आर नॉट डूइंग द ट्रू वर्थ ऑफ वर्क देन हाउ कैन यू विल गॉट इट। समझ में आ जाता है तो समझ लो, क्योंकि अपने पराए तब होते हैं जब हमारा समय हमारे वश नहीं होता, और हम हमारे वश में नहीं होते हैं, समय हमारे वश में नहीं रहता है। बस यही समझना है, भेद हैं। इसीलिए समय को अपना करना है तो क्या करोगे, समय को अपना करना है तो क्या करोगे। समय को अपना करने के लिए हर बार, हर क्षण, हर पल, क्षति क्षण क्षण में तुम यही सोचते रहो कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। हम तुमसे जुदा नहीं रह सकते और तुम हमसे जुदा नहीं रह सकते। ये कौन है जो एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकता, इसी को कहते हैं जीवन और मृत्यु। मृत्यु है तो जीवन है, जीवन है तो मृत्यु है। मृत्यु किसकी है, देह की है, उस चेतना की मृत्यु नहीं है। जैसे कभी मैं सत्य और परीक्षित में बड़ी गहरी बात समझाना चाहता था, परंतु जो समझ में आ जाए तो समझ लो, यही समझना है। समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये तो लख 84 के फेरे हैं, और लख 84 में वही समझ सकता है जिसने अपने आप को पूर्णता की तरफ ले जाने का मन में संकल्प किया है, विचार किया है, तरंग उत्पन्न किए हैं। खुद को जानने की तरंग उत्पन्न की हो वही स्वयं को जान सकता है, अन्यथा दूसरा तो सिर्फ बातें करके ही रह जाता है। क्योंकि इस जगत के अंदर जितने जितने भी जीवा जुनी हैं उसके अपने अपने धर्म हैं। धर्म एक ही है, परंतु हमने अपने अपने धर्म को अपने अपने में बांट लिया है, और हम बांटते चले गए अपने धर्मों को, अपने धर्म को विस्तृत करना नहीं चाहते। हमने अपने सनातन धर्म में से कुछ जान लिया, हमने सनातन धर्म में से कुछ जान लिया तो हमने एक नया धर्म खड़ा कर दिया। बस इसी तरह ये धर्म बढ़ते गए और धर्म के अनुयायी भी बढ़ते गए, क्योंकि नई नई बात होती है सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि पुरानी बातों के ऊपर वो घिसा पीटा रहता है। जब जब हम नई नई बातें करते हैं, कुछ नया जानने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ नया बनने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ नया प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ नया आविष्कार करने की प्रयत्न करते हैं, तो हमें वो नया नया होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। परंतु जैसे ही वो सहज हो जाता है, जैसे वो नित्य हो जाता है, हम उससे उब जाते हैं, हम उससे उबने लगते हैं, हम उससे उब जाते हैं, हम उससे उबने लगते हैं, क्योंकि ये नित्य की बात हो गई, एक दिन की बात तो नहीं है ना। कोई भी नई चीज़ है वो हमें कुछ दिन अच्छी लगती है,
परंतु जैसे ही वो नई बात हमारे लिए पुरानी हो जाती है तो ये जान लो कि वो हमें उबने लग जाएगी और हम उससे उब जाएंगे। बस इसी तरह हमारे जीवन का है, परंतु हम वासनाओं से उब नहीं रहे हैं, कामनाओं से उब नहीं रहे हैं, क्योंकि वासना और कामनाएं तो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, वही तो आविष्कार करती है, वही तो नई नई खोज करती है, वही तो नई नई जानकारी प्राप्त करना चाहती है। समझ गए? जो हमारी वासना है, हमारी इच्छा है, हमारे अंदर की रही हुई कामना है, वो कामनाएं नए नए प्रकार के संशोधनात्मक कार्य करती है, नया नया संशोधन करती है, इच्छाएं करती है। ये चीज़ ऐसी है, अगर ऐसा होता तो हो जाएगा, क्योंकि तुमने सोचा है, ये तुम्हारी तरंगे काम करना शुरू कर दी और तुम्हारी तरंगे जैसे जैसे काम करती जाएगी वैसे वैसे ये तरंगों को प्राप्त करने वाला एनी वन इज रिसीवर इन वर्ल्ड, बट वी डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज वी आर नॉट अ माइक ऑफ माइक्रोफोन, बट वी आर अ वेव्स, वी आर अ वेव्स ऑफ पावर। इट्स मीन द नेचर इज चेंजिंग इट्स सेल्फ इन इट्स प्रॉपर्टी, इन इट्स प्रॉपर्टी इट्स गोइंग चेंज। हैव यू नो अबाउट दैट वाई इट्स गोइंग बी, वाई इट्स गोइंग बी? इफ यू हैव नो देन यू विल गॉट योर सेल्फ वट इज यू आर, बट वेन यू आर ट्राई टू डू नॉट वट इज आई एम, वट इज इट इज, वट इज दैट इज, वट इज ईस्ट एंड हाउ कैन आई गॉट इट very beneficial in my life, only physical life, not soul life, no reason life, no scientific life, no mentally life, but which is doing we are every day, then we can got a abbreviate of its abbreviate, it's mean ubna. Sometimes we are like something, but after the much time we are going abbreviate, हम उससे उब जाते हैं। अब समझ में आ जाता है तो ठीक है, लेकिन हम कामनाओं से तो अभी भी नहीं उब सकते ना। हाँ, अतिरेक कामनाओं से उब जाओगे, अतिरेक कामनाओं को, जैसे कि किसी को अधिक भूख लगती है, वो अधिक खाता है, बार बार खाता है, तो उसे सब खाने का दे ही दो, उसको समर्पित कर दो, जो वो मांगे वही दो, जितना मांगे, कि 100 ग्राम मांगा है उसको 1 किलो दे दो, बोलो 1 किलो खाओ तुम इसे। यू इट अ किलो इफ यू नीड 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स एंड less than your capacity, not more than your capacity, it's you are think about that, you think you can't got anything more than your capacity, you have no about that, Shuru, it's no about it mine. हरि ओम श्री हरि। पार्ले जी देजो ना, आत्म कल्याणकारी जो जगत का कार्य है वही समझने के लिए हमें अपने आप को जन्म और मृत्यु से परे करना पड़ रहा है, परंतु हम परे नहीं हो रहे हैं, हम तो उसको धारण किए हुए हैं। पार्ले जी देजो, 3 4 देजो। मैं जी कौन है? मैं जी कौन है? समझ गए? नहीं समझ में आ रहा है ना, इसीलिए नहीं समझोगे ना, क्योंकि अगर समझ जाते तो ये सब जगत के अंदर जो हो रहा है उसका तुम अपोज नहीं करते, उसका विरोध नहीं करते, उसको गलत नहीं साबित करते, उसको गलत नहीं समझते,
जो कुछ हो रहा है वो सही है और सत्य है, सत्य के सिवा और कुछ नहीं है। कहाँ है, कहाँ है, बस समझने में ही देर है। समझ में आना बड़ा कठिन है, समझ लो बड़ा कठिन है। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कुछ समझ में आए तो बोल दो भाई, नहीं समझ में आए तो रहने दो। यू मत दे बकरो, कदे भी करो यू नहीं देना। जो आप पकड़ने दे रिया होगा देखो ऐसे मत दो हैं, यह और दाहिने हाथ से नहीं देने का, बाया हाथ से दे रहे हो वो गलत नहीं है, दाहिने हाथ से, जिससे कि आपको भी आपका व्यवहार मिल गया, मुझे मेरा व्यवहार मिल गया, कोई आपके पे ऋण नहीं, कोई मेरे पे ऋण नहीं। धन्यवाद। तो समझना है बड़ा कठिन, अगर समझ में आ जाता है तो कैसे समझ में आएगा, समझना बड़ा कठिन है ना। लड़ना कालू हम अपने आप को अगर समझ जाते हैं ना तो हमें कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ करते रहते हैं ना। इसका अर्थ ही यही है कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं समझा है, हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना है, हमने अभी तक अपना अनुभव नहीं किया है, हम अभी तक भटक रहे हैं। और हमको भटकना हमारी कामनाओं का कारण रूप है। ये जो भटकना है हमारी कामनाओं का कारण रूप है, वो नहीं समझ सकते। अगर वो समझ जाते ना तो ये भटकते नहीं, और भटकते नहीं तो ये गलत काम ही नहीं होता संसार में। और ये संसार में गलत काम जो हुआ है इसको सुधारने के लिए किसी को तो कार्यरत होना ही पड़ेगा। कोई कार्यरत नहीं हुआ तो कैसे चलेगा। सब किसी को कार्यरत होना है। और खुद को कार्यरत कैसे होना है, वो खुद हो जाना चाहते हो कि नहीं चाहते, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों खा रही है, क्योंकि इन्हें खाना नहीं मिल रहा है। ये गौ हैं, गौओं को खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, ये घास की जगह हो जो सामने आएगा उसे खाने का प्रयत्न करेंगे। और ये तो नंदी है, नंदी सब कुछ पसंद कर सकता है, सब कुछ पा सकता है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ये गौओं को ये खाने के लिए मजबूर किसने किया गुरुदेव? शिवात्मा, शिवात्मा, स्वात्म
है।